तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल, कटहल की सब्जी। तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसका सबसे टिपिकल काम होता है इसको कट करना, क्योंकि ये बहुत चिपचिपी होती है। तो इसको हम ऑयल लगा के काटते हैं ताकि ये चिपके ना। और आप नींबू भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि जो है इसमें से जो स्टिकी स्टिकी सा निकलता है वो ना हाथ में लगे। तो मैं ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर आप नींबू लगाएं तो आप जैसे बड़ा कटहल काट रहे हो या फिर छोटा भी काट रहे हो, तब भी आप नींबू को जो है उस पर रगड़ सकते हैं स्किन पर, जिससे कि चिपचिपा ना हो। तो मैं ऐसे ही ऑयल लगा के इसको सारा जो है कट कर लूँगी। मैं नाइफ से कट नहीं करती हूँ इसको, जो है मैं हसिए से ज़्यादा अच्छे से कट कर लेती हूँ। लेकिन आज तो क्या हुआ, मैंने इसको कट तो कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथ में कब लग गई, मेरी फिंगर जो है कट गई। ये बहुत ही ज़्यादा धार वाला होता है। तो ये हमारी सारी कटहल जो है कट गई है, जिस भी शेप में आपको काटना है। ये देखिए मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा कट गई थी, मुझे बाद में पता चला कि ये कट चुकी है, बहुत दर्द हो रहा था, बट कोई नहीं। तो हमें इसको सबसे पहले बॉईल करना है। मैं इसे बॉईल करूँगी मतलब 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये साफ़ हो जाएगी और थोड़ा सा नरम भी हो जाएगी। तो बेसिकली तो मैं साफ़ करने के लिए इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए नमक डाल के जो है बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे फ्राई करके बनाने वाली हूँ। अगर मैं बॉईल करके बनाती तो फिर मैं पहले इसको अच्छे से अलग से वॉश कर लेती। तो इस और मैं इसकी जो है सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया था और उसको मैं पीस लूँगी, और लहसुन भी लिया था। और ये देखिए मैंने गरम पानी में जो है कटहल को डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि इस ये इसमें जितनी भी डस्ट होगी हमने काटते वक्त निकाली वो सारी निकल जाएगी। हाथों में चिपचिपा रहता है इसलिए ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए बॉयल करने से बहुत अच्छे से निकल जाती है। और यहाँ पे मैं अनियन को भी अच्छे से पीस लूँगी। ये अच्छे से बॉयल हो गई, मतलब मैंने इसको कुक नहीं किया है, मैंने 2 से 3 मिनट बस इसको साफ़ करने के लिए बॉयल किया है। तो मैं स्ट्रेनर में इसको जो है ऐसे निकाल लूँगी सारी। ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया था। अब मैं डालूँगी ऑयल, इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। और कढ़ाई को मैं अच्छे से कोट कर लूँगी, जिससे जो है कटहल इधर उधर चिपके नहीं। और इसमें मैं एक एक करके अपनी कटहल को डालूँगी, और कटहल को तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हल्की क्रिस्पी, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखिए आप 2 तरीके से बना सकते हैं, जिनको ऑयल की प्रॉब्लम है वो तो डायरेक्ट हल्दी और नमक डाल के बॉयल कर लें इसको 90% कुक होने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद डायरेक्ट सब्जी बना लीजिए इसकी। अदरवाइज ऐसे जिसको पसंद है वो फ्राई करके बना सकता है। मैं इसको कवर करके रख दूँगी स्लो हीट पे। तब तक मैं कुछ खड़े मसाले निकाल लेती हूँ। मैंने एक बड़ी इलायची ली है, फ्लावर लिया है, दालचीनी ली है, 7 से 8 मैंने जो है काली मिर्च ली है, और बे लीफ भी डाल लूँगी मैं इसमें 1-2। और जो दालचीनी मैंने उसको कूट लिया है, और बड़ी इलायची को भी कूट लूँगी। और अगर आप खड़े गरम मसाले स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कटहल है वो थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। कटहल की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इसे कम पसंद करते हैं, बिकॉज़ ये नॉन वेज जैसा दिखता भी है और खाने में भी लगता है, और बट होता बहुत टेस्टी है। और इसको इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं, और पकने के बाद आप इसकी काफ़ी मीठी डिश भी खा सकते हैं, आइसक्रीम में भी यूज़ होता है, और नॉर्मल भी बाहर इसे ऐसे ही खाया जाता है पका हुआ कटहल मीठा वाला। तो वैसे तो ये बहुत हेल्दी होता है, और सीजनल सब्जी तो सारी ही खानी चाहिए। ये देखिए मैं इसी ऑयल में जो है सब्जी बनाऊंगी। ये कटहल देखिए गोल्डन हो गया और कुक भी हो गया अच्छे से। अब इसमें सारे मैं खड़े गरम मसाले ऐड कर दूंगी, इनको मैं 2 मिनट थोड़ा सा ऐसे ही भून लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन और गार्लिक का पेस्ट, साथ में ही मैंने गार्लिक इसमें ही डाल दिया था। अगर अलग से गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना के डालते बहुत हार्ड हो जाता है टेस्ट में, तो मैं अनियन में ही ऐड कर देती हूँ। आप यहाँ अनियन बहुत सारा चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं।
यह मैं मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल लूँगी, 2 से 2.5 चम्मच, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और ये सूखी सब्ज़ी बन रही है तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, और हम इसको पहले सूखा भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो हैगा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो धनिया होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है पिसा हुआ, और हल्दी भी। तो ये देखिए ये थिक होता जाएगा, क्योंकि हमने पानी में पहले मसाले फुला के नहीं रखे थे इसलिए। तो जब सूखे डालते हैं तब ऐसे ही, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि कटहल जो फ्राई किए थे उनमें से भी ऑयल निकलेगा। और जितने भी हमने खड़े गरम मसाले डाले थे पहले, उनको निकाल लूँगी बाद में, ये प्रॉब्लम नहीं करते। अगर आपको नहीं भी निकालने हो तो आप रहने भी दे सकते हैं, और जो चीज़ आप निकाल सकते हैं जैसे बेलीफ वगैरह, अब इनका कोई यूज़ नहीं है, टेस्ट ऑलमोस्ट उसमें आ चुका है। तो हम इसको कवर करके जो है 5 से 7 मिनट अच्छे से जो है कुक कर लेंगे इसको 2 बार। अभी इसमें बहुत मॉइस्चर था, जब तक पूरी ड्राई नहीं हो जाती सब्ज़ी तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो अभी मेरी जो है तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी और अच्छी रेसिपी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बहुत कोल्ड और फीवर हो गया, जिस वजह से जो भी बन रहा है मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा और अच्छा जो है आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी नई नई चीज़ों की। तो ये देखिए मैंने इसको जो है इसमें ऐड कर दिया, इसको भी मैं अच्छे से जो है भून लूँगी, चलाते हुए भूनना है इसको, और जब तक जो मसाले में जो है कटहल कोट ना हो जाए, ये देखिए, और इसमें से भी ऑयल साइड से रिलीफ होने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि आपकी कटहल जो है पक गई है। वैसे बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, इसे आप रोटी या लच्छेदार पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत ही लाजवाब टेस्ट था इसका। तो ये देखिए भूनते हुए, और हमारी कटहल की सब्ज़ी डन है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 बताइए मुझे कमेंट करके, और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और सपोर्ट करिए। आप सबसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।